हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको ए टू जेड एक्सप्लेनेशन दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। हंसते खेलते आप आज से अभी से ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को छुट्टियों में ही सीख जाएंगे। तो बिना किसी देरी के ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रखे हैं, आप इनको ध्यान से सुनेंगे। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉस ए, सेक ए और कॉट ए, रिस्पेक्टेड मैंने इनके एंगल्स दिख रखे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम लोग इसको अपने आप स्टूडेंट फील करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे जीरो से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक। सेकंड स्टेप में हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लगे हाथ तो इस पे बेटा अंडर रूट चढ़ा देंगे। इधर अंडर रूट चढ़ेगा, इधर भी अंडर रूट, यहां पर भी अंडर रूट, यहां पर भी अंडर रूट और यहां पर भी बेटा अंडर रूट। अब हम लोग तीसरे स्टेप में स्टूडेंट्स ये काम करेंगे कि हम लोगों ने लास्ट में 4 तक स्टूडेंट फिनिश करा था, तो हम इस पूरे को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर भी आप 4 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 और ये भी डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आप इन सबको सॉल्व कर लीजिए, आपकी साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी। ये तो आपका स्टूडेंट सीधा सीधा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2/2, जिसको आप लोग शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं 1/√2। ये आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा अंडर रूट 3/2 और ये बेटा आपका हो जाएगा 1। अब आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की डिग्री 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप साइन की वैल्यू सीख गए 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 से डिवाइड और ऊपर अंडर रूट। अब हम जब बेटा कॉस की वैल्यू को लिखेंगे तो आप साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। तो हम लोगों का रिवर्स का मतलब जो 90 है वो यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। जो 60 डिग्री है उसको आप यहां पर लिख दीजिए अंडर रूट 3/2, इसे यहां पर लिख दीजिए 1/√2 और ये यहां पर आ जाएगा 1/2 और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 0। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो मैंने साइन की वैल्यू आपके सामने निकाल के दिखा रही है उनको मैंने हूबहू क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा करके लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं टेन पे। टेन आप बहुत अच्छे से जानते हैं रेशियो होता है साइन ऑफ साइन अपॉन कॉस। तो ये देखिए 0 को आप डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये देखिए ये तो 0 ही आ जाएगा। इसके बाद जब आप इसको भी ऐसे डिवाइड करके लिखेंगे तो मैं पूरा आपको लिख के बता देता हूं, अंडर रूट 3 और अपॉन में 2। अब इसको आप सही करके लिख लीजिए, ये आपको जाएगा 1/2 और अपॉन में 2/√3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन 30 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। टेन 45 आप देख लीजिए, 1/√2 से 1/√2 साफ साफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन 60 की अगर हम बात करें तो टेन 60 की वैल्यू √3/2 और यहां पर 1/2। तो इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट 3/2 अपॉन में 2/1। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी और टेन 90 की वैल्यू आप देख लीजिए 1/0, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी ही हो जाएगी। वैसे मैं डायरेक्ट भी इसको मैं सॉल्व करके मैं लिख सकता था कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3/2 को, तो मैं डायरेक्ट 1/√3 लिख सकता था, लेकिन मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि मैं आपको एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे कि आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कॉस ए के की। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉस ए के का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। तो आप जो साइन की जो वैल्यूज मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई आप उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 0 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स होता है नॉट डिफाइंड, तो यहां पर आप लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कॉस ए 30 की, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1/2। इट मीन्स दैट कॉस ए 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1/√2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सीधे कितनी हो जाएगी, √2। यहाँ पर आप देख लीजिए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि साइन 90 की वैल्यू कितनी थी, 1, और 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है मेरे भाई, 1 ही होता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेक की। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है, तो कॉस की वैल्यू रिवर्स करके लिख लीजिए, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है मेरे बेटे √2, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और अगर हम लोग 0 का रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, जो कि कितना आपका होता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है। तो अब हम लोगों ने सब वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। अब हम लोग की बारी आती है किसकी, कॉट ए की। कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन का, टेन का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए 0 का। अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 होगा, 1/0 का इसका मतलब होता है बेटा नॉट डिफाइंड, ठीक है।
नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि अभी तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। इट मींस दैट कि cot की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर √3 हो जाएगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स tan 45 की 1 है तो cot 45 की भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करें tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बेटे 1/√3 हो जाएगी। और अगर tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट होती है, और अगर हम लोग इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल करें तो ये आपका हो जाएगा 1/∞। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 1/∞ वैल्यू होती है 0। तो ये मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दी है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। अब आज से आप सभी लोग अपने आप से वादा कीजिए कि कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रटेंगे नहीं, आप शॉर्ट ट्रिक से अपने अपने आप ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पल पल के वीडियो, पल पल के अपडेट्स, पल पल की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।